हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हल्ला बोल में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। पिछले 30 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन कहीं से भी समस्या का समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं, तो सरकार इसमें संशोधन कर बातचीत का हल निकालना चाहती है, लेकिन किसान चाहते हैं कि सरकार जो है वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। संशोधन उन्हें मंजूर नहीं है और आज इसी क्रम में पीएम ने किसानों से सीधा संवाद भी किया। एक तरफ नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर एक महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की है। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए तत्काल रूप से ट्रांसफर किए गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आज 6 राज्यों के किसानों से भी बातचीत की, जिसमें हरियाणा के फतेहाबाद के एक किसान भी शामिल थे। पीएम ने किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ लोग हैं वो चाहते नहीं कि इस समस्या का समाधान हो। एक दर्शक हमारे साथ नरवाना से जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर, खास करके आज एक महीना हो गया और अभी तक कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो संपर्क टूट गया शायद। आज किसानों ने आज से 27 दिसंबर तक टोल फ्री का भी ऐलान किया था और उसका असर भी कुछ जगहों पे दिखाई दे रहा है, जहां किसानों ने टोल फ्री करा दिया है। हालांकि कई जगह ऐसे भी हैं जहां अभी तक उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को संबोधित किया। लगातार जो किसान हैं वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि सरकार जो है वो इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। तो आज पीएम ने अटल संवाद के जरिए किसानों को संबोधित किया। अब देखना है कि इस अटल संवाद से कोई समाधान निकलता है या फिर किसान अपनी मांगों पर ही अड़े रहते हैं या फिर कोई बातचीत का रास्ता निकलता है। करीब एक महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और लगातार उनकी एक ही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। लेकिन अब तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें अभी कहीं सरकार ने ये संकेत नहीं दिए हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर बातचीत हो सकती है। लेकिन किसान चाहते हैं कि बातचीत तभी हो जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करे। इस बीच आज किसान रणनीति बनाएंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। उधर आज पीएम ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मैं इन दलों से पूछता हूं कि यहां फोटो निकलवाने के कार्यक्रम करते हो, जरा केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। प्रिवर्त एक दर्शक हमारे साथ कैथल से जुड़ चुके हैं। प्रिवर्त क्या कहना चाहेंगे आप? प्रिवर्त जी, बार बार ना दिखाओ दी झूठी घोषणा सरकार की। 2018 का फसल बीमा पड़ा मेरा, अभी कैथल के 32 चक्कर लग लिए। 13 जनवरी के अभी तक योजना पर कर लिया जी मैंने सर जी। ये आंदोलन सर जी, हाँ जी आंदोलन तो चलेगा जी, बहुत गहरा होगा। यानी कृषि कानून वापसी तक आंदोलन किसान जारी रखेंगे? हाँ जी रखेंगे जारी। मेरे गांव के कम से कम 150 बंदे जा रहे हैं जी। आपकी क्या राय है इस पर? राय पूरी है जी, हम बच्चा बच्चा निकल जाएंगे और भी गांव का। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दर्शक जो बता रहे थे, ये कह रहे थे कि कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा,
लगातार किसानों की यही मांग है कि सरकार वापस ले कानून, लेकिन केंद्र की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह के कोई अभी तक संकेत नहीं दिए गए हैं। इस बीच आज पीएम ने किसानों को संबोधित किया, इस दौरान विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग हैं जो बातचीत को पटरी पर आने नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसान बहुत भोले हैं। इस दौरान उन्होंने करीब 6 राज्यों के किसानों से बातचीत की, इसमें हरियाणा। एक दर्शक रण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रण सिंह, क्या कहना चाहेंगे? ये किसान आंदोलन के लिए जी अनिमिका मिश्रा नहीं बोल रही जी, इसके ऊपर चैनल पर जी। जी खालिद बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी खालिद, अनिमिका मिश्रा की बात है जी, कई दिन से नहीं बोल रही। सर आप अपनी बात रखें जी। ये किसान ना जोर जोर से बात रोजाना चले अगर हरियाणा ने चैनल देखा जद करके बात करा दी। चलिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो इस दौरान पीएम ने 6 राज्यों के करीब कई किसानों से बातचीत की। इस दौरान हरियाणा के फतेहाबाद के किसान हरि सिंह विश्नोई ने कहा कि वो पहले चावल की खेती करते थे, लेकिन अब बागवानी में भी दिलचस्पी है उन्हें। उन्होंने कहा कि 3 एकड़ में नींबू और 7 एकड़ में अमरूद उन्होंने लगाए हैं, वो उसे स्थानीय मंडियों में बेचते हैं और इससे उन्हें अच्छी रकम मिलती है। तो किसान आंदोलन आज 30वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 26 नवंबर से किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। इसको लेकर कई दौर के बातचीत भी हुए, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। एक तरफ सरकार लगातार ये कह रही है कि बातचीत की तिथि किसान तय करें, तो किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि बातचीत 3 कृषि कानून की वापसी पर होगी। और यही वजह है कि टेबल पर दोनों तरफ से लोग नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि किसी भी समस्या का समाधान तभी होगा जब दोनों पक्ष टेबल पर आएंगे और बातचीत होगी। 3 कृषि कानून को लेकर किसान 30 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लगातार उनकी यही मांग है कि सरकार जो है उनकी जो 3 कृषि कानून है उसे वापस ले। आज पीएम ने किसानों को संबोधित भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर एक दर्शक हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आपकी जो शाम को डिबेट होती है उसमें किसान नेता ये बोलते हैं इन कृषि कानून के 5 फायदे बता दो। बीजेपी का जो भी प्रवक्ता होता है वो कोई भी 5 फायदे नहीं बता रहे पा रहा जी। जी और रही बात ये जी के थल के अमरूद वाले की, जो आज में फार्मर दिखा रहे थे टीवी पे जी, जिसने प्रधानमंत्री से बात की है जी, वो भी लोग हैं जी, इन्होंने बाग लगा आम के नींबू के इनके उनके 2-2 रुपए किलो अमरूद बिक रहे हैं, उनको क्यों नहीं दिखाते जी? उनको भी दिखाओ ना, जिसके 2-2 रुपए किलो अमरूद बिक रहे हैं, नींबू को कोई बूझ नहीं रहा, उनको भी दिखाओ ना आप चैनल पे, गोभी किसान बा रहे हैं। धन्यवाद जी। चलिए आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसान है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और यही वजह है कि पिछले 30 दिनों से वो धरने पे हैं। कर्मिक अनशन भी शुरू कर दिया है, अब तो महिलाओं ने भी आज से कर्मिक अनशन शुरू कर दिया है। रोहतक से एक दर्शक राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है जी, पहले तो इसमें मोदी ने डाक आरक्षण में हमारे 73 जवान मरवाए थे और अब फिर प्रसाद करवाएगा ये दिल्ली में, अब फिर हमारे भाइयों को मरवाएगा। ये राज बिल्कुल बेस्ट राज है और इसको ये जो ये हमारे भाई मांग रहे हैं आंदोलन है इसका समाधान करना चाहिए ना निगे यानी रहे वहां पर। चलिए आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दर्शक और बलबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलबीर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे?
परवेज दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो कृषि कानून बने इन पर राय देना था संजीवन जी। एक महीने से किसान धरने पर हैं, क्या लगता है इसका समाधान कब तक होना चाहिए और क्यों देरी हो रही है, क्या राय है आपकी? चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 जून को केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए 3 कृषि कानूनों को लागू किया था। उसके बाद 20-22 सितंबर को इसे संसद से पास कराया गया और 27 सितंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह कानून लागू हो गया। किसान इसको लेकर विरोध करना किसानों का शुरू हो गया और अब पिछले एक महीने से जो किसान हैं, 26 नवंबर को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे और तब से अब तक उनका धरना लगातार जारी है। किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। वीरेंद्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या राय है आपकी? हमारी राय ये है कि जब किसान आंदोलन में आज किसान अपनी समस्याओं को लेकर गंभीर है जी, तो आंदोलन को लेकर क्या नजरिया है आपका? हाँ जी, सरकार हमारी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, बड़े बड़े साहूकारों को देश की संपत्ति को सौंपना चाहती है, तो इसलिए आज हम धरने पर रखे। कि किसान को जो कहती है कि तुम्हारी जो एक एकड़ मान लो जीरी धान की फसल है तो 20 क्विंटल लेंगे, और साहूकार को कहती है कि वो कितना ही है अपना रख रखाव कर ले, उससे कोई सरकार कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगी, इसलिए हम इन तीन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईश्वर, क्या कहना है आपका? राम राम जी। राम राम। हम ये कह रहे हैं जी, कानून तो लग गए भी नहीं है हमारी, साल भर से कदे ऑनलाइन पर इतनी फसल आओगी, 20 वर्ष लेवागे बाकी घर रही जागी, माया पहले जो रह लिया हम तो इस बार कानून लग गए पास हमारी जमीन को लगाए। किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आज एक महीना हो गया लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं दिख रहा है, क्या राय है आपकी? समाधान तो जिस बड़े प्रवक्ता भी जब के बोलने लग रही थी, अब तो धंधा को नहीं भड़काऊ ज्ञान दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ सारा काम करे, दुनिया ने सोच दुनिया पागल आप तो मेरे सियाने बने रही है। चलिए, इस तमाम आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और सरकार भी कह रही है कि बात तथ्यों पर होगी, कृषि कानून की वापसी को लेकर कोई बात नहीं होगी, अगर कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति पर सरकार विचार करने को तैयार है। लेकिन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान संगठनों के नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी तब तक कोई बात नहीं होगी। एक दर्शक देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँ कि ये हर बार ये कह रहे हैं जी के प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसकी जुबान का है फलाना धकड़ा है, तो ये बताओ इसने 15 लाख रुपए कहीं दिवाएंगे, 2 करोड़ रोजगार कहीं दिवाएंगे, इस पर क्यों कर भरोसा कर ले जी? तो क्या सारे एक 2000 रुपए खाता में देखे, 2000 रुपए से होता क्या है, एक किले की कितनी लागत, इसमें डीएपी इतना महंगा, खाद है, सबकी में दवाई है, कि क्या लिया होगा किसान, और वे ऊपर तो ये कानून घेर दिए ऊपर। तो क्या मांग है आपकी? मांग दया है जी, वापस होने चाहिए है आमद, जब हमने ये मांगे नहीं क्यों थोपन लाग रहे, हमारा भला इतना क्यों करे है? लेकिन एक महीने के बाद भी तो कोई निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा और किसान ऐसे ठिठुर रहे हैं, कैसे समाधान होगा? समाधान तो होगा जी, किसान तो गांव अपना घर है, उड़ा मेरे पीड़े हैं, इस तरह से अपने दिल्ली जाकर मर लेंगे और क्या है। नहीं नहीं, किसान बहुत ही कीमती है देश के लिए। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो किसानों का आंदोलन आज 30वें दिन में प्रवेश कर गया है और अपनी एक ही मांग को लेकर, जो बात 26 नवंबर को किसानों ने जो बात कही थी, आज भी उसी बात पर वो अडिग हैं, लेकिन उस पर कोई बात बनती दिखाई नहीं दिखाई दे रही है। एक दर्शक परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज का धन्यवाद चाहूंगा कि आपने किसान आंदोलन को अच्छे से कवर करा जी। जी सर, और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि सरकार एक तरफ से उद्योगपतियों का लोन 11,86,000 करोड़ रुपए का माफ कर रही है, दूसरी तरफ से किसानों के बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और सर इसके साथ ही जी सर ये जो बताना चाहूंगा कि सर सरकार बोल रही है कि हमने 2,000 रुपए पर किसान हमने डाल दिए हैं खाते में, लेकिन सर आप बताइए कि डीएपी का कट्टा 1100 रुपए का हो चुका है। पिछले 5 साल में ग्रोथ रेट है जो किसानों की वो 0.4% की तरफ से बढ़ रही है, और अंबानी और अडानी की ग्रोथ रेट लास्ट 6 महीने में 80% हो चुकी है। तो सर आप बताइए कि कैसा भला हो रहा है किसानों का? जी, जो ये आंदोलन चल रहा है जी सर, उसको लेकर क्या नजरिया है? अभी 30 दिन हो गए, कोई समाधान नहीं दिख रहा है, ऐसे में किसान क्या करें? सर सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम विनती करते हैं हमारे निर्दलीय विधायकों जी से, गोपाल कांडा जी से, बाकी अन्य विधायकों से कि वो जल्द से जल्द सरकार से अपना इस्तीफा दें, किसानों के आंदोलन में शामिल हों और कम से कम सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो दर्शक हैं वो कृषि कानून की वापसी की भी वो भी समर्थन कर रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि बात तभी बनेगी जब सरकार कृषि कानून को वापस लेगी। पिछले 30 दिनों से डटे हुए हैं किसान, समाधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच आज पीएम ने किसानों को संबोधित भी किया, इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं उन दलों से पूछना चाहता हूं जो यहां फोटो निकलवाने के लिए कार्यक्रम करते हैं, जरा केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए उन्होंने कहा कि आपके पास समय है, केरल में ये व्यवस्था शुरू कराने के लिए आपके पास समय क्यों नहीं है, क्यों दोहरी नीति जो है वो चली जा रही है। कई तरह के सवाल विपक्ष पर पीएम ने किए और विपक्ष को उन्होंने घेरा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर समाधान निकलता है तो विपक्ष से भी बातचीत के लिए तैयार हैं, समाधान निकलना चाहिए, लेकिन बात तथ्यों पर होगी। आज पीएम ने किसान सम्मान निधि में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए। राम मेहर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या राय है आपकी? सर जी मेरी तो यही राय है कि ये सरकार ने मान लेना चाहिए, और जो सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। ये केंद्र सरकार को ये काम वापिस ले लेने चाहिए, और इसमें कि ना अपने घर आ जाए वापिस ठीक ठाक, यही मांग है। और जो राज्य सरकार है इनको केंद्र सरकार से बातचीत करके इस समस्या का करवाना चाहिए, जो कि राज्य सरकार का दबाव होता है केंद्र सरकार पे जो निश्चय कार्य हो रहे हैं उनके बारे में राज्य सरकार को पता होता है, वो जाए और करवाए समाधान पूछे। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसान भी जुड़ रहे हैं, जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो यही कह रहे हैं कि जिस मांग को लेकर किसान बैठे हैं उस मांग पर सरकार को तुरंत विचार करना चाहिए ताकि समाधान हो और वो अपने घर को लौट सकें। तो कृषि कानून को लेकर किसान धरने पर हैं, किसानों की एक ही मांग है कि सरकार जो है वो इन कानूनों को वापस ले, लेकिन इन तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस लेने के मूड में नहीं है। गोपाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोपाल क्या राय है आपकी? हाँ जी सर। जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं शिक्षा से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। और जो ये किसान आंदोलन चल रहा है इसमें दो छोटी छोटी बातें कहना चाह रहा था जी, अपना विचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। इसमें पहली बात तो यह कि भाई जो ये किसान आंदोलन है ये किसानों के आर्थिक हित को बचाने के लिए किया जा रहा है कि भैया मंडियां खत्म हो जाएगी, हमारी किसानी खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन लोगों के आर्थिक हित कहाँ हैं जो एक महीने से
जहाँ पर इन्होंने जाम लगा रखे वहाँ पे जो लोग बिजनेसमैन है या मजदूर है वो लोग काम कर, उनका काम बंद हो रहा है, ट्रांसपोर्टर का ट्रांसपोर्ट बंद हो रही है। तो ये लोग, एक तो ये है कि भाई इन ये दो तरह की बातें चल रही हैं, दूसरा ये है कि जो जो ये किसान आंदोलन है इसके अंदर अब जो है राजनीति मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा होती जा रही है कि ये किसान कानून को वापिस ले लो, में कोई संशोधन नहीं करना। तो ये मुझे अब ऐसा लग रहा है पहले। ठीक है, ठीक है, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो है वो किसानों का आंदोलन जारी है, 30 दिन हो गए आज, लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं निकला है। बातचीत की भी एक डोर टूट सी गई है, हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बातचीत के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं और ये कहा गया है कि किसान तिथि तय करके इस पर बताएं कि कब बातचीत करना है। हो सकता है कि आज किसान इस पर कुछ निर्णय लें। इस बीच 25 से 27 दिसंबर तक किसानों ने टोल फ्री कराने का ऐलान किया है, इसका असर भी कई जगहों पर दिखाई दे रहा है तो कई जगहों पर इसका असर नहीं भी दिखाई दे रहा है। तो लगातार जो किसान हैं अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। रामचंद्र, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामचंद्र, क्या कहेंगे आप? क्या आवाज मिल रही है रामचंद्र? हाँ जी, बोलिए जी। ये जो आंदोलन डाल रहा है जी, इसको गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। एक तो कटारिया साहब कुछ जोटा कुछ कुछ, और एक पैथल का विधायक अगरवादी कौन होने दें इस आंदोलन में। और मोदी साहब ने सोचना चाहिए तो लग रहा है उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पीएम ने किसानों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को बरगलाकर विपक्ष अपनी राजनीति चला रहा है। उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग किसानों और सरकार की चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। राजनीतिक दल सिर्फ चर्चा में आने के लिए इस तरह के इवेंट कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से महावीर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, क्या राय है आपकी? हाँ, सरकार से है ये ना नरेंद्र तोमर, यो ड्रामेबाजी जो हरिद्वार से नकली पंडे उन्हें किसान बनाया गया 500-500 रुपये देकर वो हाजरी दिखावा ना, ये ड्रामेबाजी का है जो बंद कर देगा। इतना किसानों की सुननी है तो अपना जो बैठे उनकी सुन लो जी। आप अपने टीवी सेट की आवाज कम करें, उसके बाद से अपनी बात रखें क्योंकि आपकी आवाज इको कर रही है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो 30वें दिन में अब प्रवेश कर चुका है। दिल्ली के बाहरी बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।